तो हम सभी लोग जा रहे हैं, घर में अम्मा और हस्बैंड जी हैं, तो आज मैं बेबी को फिर से छोड़ के आ गई हूँ। सो दोस्तों मैंने थ्रेडिंग नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी गीता जा रही है कांडा। तो देखिए मैं तो स्वेटर भी पहन के लेके आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। ये देखिए आ रहे हैं सासू जी। यहाँ पर खा रहे हैं दोस्तों हस्बैंड जी लकड़ी। आजकल हस्बैंड जी की हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नए सुबह से नए दिन से आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है गीता राहुल पिलखवाल। मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी गीतू ब्लॉग्स पे। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। फाइनली दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुके हैं, घर के सारे काम हो चुके हैं। बाहर पे बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। दोस्तों आज हमें जाना है किसी काम से कांडा। सासू जी और ससुर जी और मैं और देवर जी जा रहे हैं कांडा क्योंकि हमें कुछ डॉक्यूमेंट बनाने हैं, तो इसीलिए हम कांडा जा रहे हैं। तो रेडी तो हो चुकी हूँ बट बाहर पे बहुत ज़्यादा बारिश लगी है। देखते हैं कब निकलते हैं सास ससुर जी घर से। थोड़ी बहुत बारिश बंद होती है फिर चलते हैं घर से कांडा की ओर। तो दोस्तों मैंने अपने सर में बहुत ज़्यादा तेल डाल रखा है, तो देखिए मेरे बाल चिपचिपे हो रखे हैं। डिलीवरी के बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, तो इसीलिए सर में तेल डालना पड़ता है। तो रोज़ तेल डालती हूँ मैं। एक तो मेरी सर दर्द होने लग जा रही है आजकल डेली डेली। एक तो बेबी सोता नहीं है, दिन में कभी सोता है तो जब सोने का टाइम होता है मेरा तब वो उठ जाता है। खाना पीना खा के सोने की तैयारी चलती है हमारी तो वो उठ जाता है, और रात में भी उठते रहता है, कभी टॉयलेट करता है कभी पॉटी करता है, तो रात भर उठना पड़ता है बेबी के साथ। तो इसीलिए सर दर्द होने लग जा रही है मेरी आजकल। तो इसीलिए चलिए फिर एक बार आपको दिखाते हैं आज का मौसम। दोस्तों बाहर पे बहुत ज़्यादा बारिश लगी है और देवर जी भी हो चुके हैं रेडी, लेट रखे हैं ऐसी बेड में। रेडी हो चुके हो? चलिए फिर चलते हैं कांडा की ओर। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी गीता जा रही है कांडा हॉस्पिटल में। सो दोस्तों फाइनली हम घर से निकल चुके हैं कांडा के लिए। सासू जी जा रहे हैं आगे से और ससुर जी और देवर जी चले गए हैं। तो अभी थोड़ी सी बारिश बंद हो चुकी है तो हम निकल चुके हैं धीरे धीरे घर से। ये जा रहे हैं सासू जी आगे से आजकल। ये देखिए आ रहे हैं सासू जी बारिश की वजह से। देखिए इतनी फिसलन हो रखी है और घास हो रखी है चारों ओर। तो हम सभी लोग जा रहे हैं, घर में अम्मा और हस्बैंड जी हैं, तो आज मैं बेबी को फिर से छोड़ के आ गई हूँ। तो क्या करें, मजबूरी है, कुछ डॉक्यूमेंट बनाने हैं, तो इसीलिए हमें कांडा जाना पड़ा सभी लोगों को। तो वंश को उसके पापा देखेंगे और अम्मा भी घर में ही हैं। अभी थोड़ी देर में हम काम को निपटा के जल्दी जल्दी घर पे आ जाएंगे। तो देखिए मैं तो स्वेटर भी पहन के लेके आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। फिर सर में देखिए कपड़ा भी बांध रखे हैं। चलिए फिर दोस्तों फटाफट से चलते हैं रोड में, फिर चलते हैं अपने सफर की ओर। आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहें, मिलते हैं सीधे रोड में पहुंच के। अम्मा ने उसकी मालिश करी और नहलाया, अभी सो रखा था बेचारा तो बड़ी मुश्किल से उठाया। फिर उसके बाद मैंने उसे फीड करा के आ गई हूँ। फिर बीच में रोएगा तो किरण भी करा देंगे उसको फीड, फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगी फटाफट से घर को।
कटा रहे हैं पर्ची। ओए ए संजू आ खुदा बैठ जा चल। सो दोस्तों फाइनली हॉस्पिटल का काम हो चुका है, अब हम जा रहे हैं कांडा पड़ाव सीएससी सेंटर में जाना है। हॉस्पिटल का काम तो हो चुका है और वंस का बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके आ चुकी हूँ मैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बैंक में, थोड़ा सा काम था इसको निपटाने के लिए, देवर जी के पैसे जमा करने थे बैंक में, ग्रामीण बैंक में। तो दोस्तों फाइनली सीएससी सेंटर में भी काम हो चुका है, सासू जी वहीं पे हैं। अभी मैं आई हूँ ब्यूटी पार्लर में थ्रेडिंग बनाने के लिए। सासू जी ने भी खा लिया है, पेड़ूजा कर लिया है, मोमोज खा लिए हैं। मैंने तो कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे खाना नहीं होता है, मैं बाहर का खाना नहीं खा रही हूँ अभी फ़िलहाल, नॉर्मल खाना खाती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं ब्यूटी पार्लर में और थ्रेडिंग बनाते हैं। ये देखिए यहाँ भी फोन में लगा है, यहाँ कांडा का कालिका का मंदिर। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे, चलिए फिर अब कपड़े चेंज करते हैं, फिर बेबी को देखते हैं। मौसम का हाल देखिए खराब होते जा रहा है, अभी भी बारिश आ रही है सुबह से। सो दोस्तों मैंने थ्रेडिंग नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी ब्यूटी पार्लर पे, तो मैंने सोचा छोड़ो बेबी रो रहा होगा घर पे, तो फटाफट घर को निकलते हैं करके हम आगे थे घर की ओर। चलिए फिर अब करते हैं फटाफट कपड़े चेंज, तो मिलते हैं आपको कपड़े चेंज करके। दुखा दुख जा। सो दोस्तों खाना भी बन चुका है, अम्मा ने बना दिया है, चलिए फिर खाते हैं खाना। अभी बेबी को दूध पिला के सो रखे है, खाना खाते हैं फिर चलिए। ये देखिए हमारा बंच अभी यहाँ पर सो रखा है मिनी झूले में, जिसका ग्वाला हूँ मैं और इसकी मम्मी तो कल्टो पपे सो रखी होगी ऊपर। ये देखो मिनी झूले में सो रखा हमारा बंच अभी, इस मम्मी को दिखाता हूँ आपको, इस मम्मी सोई है यहाँ देखो। भयंकर बारिश, मौसम देखो आप लोग। अभी उठ चुके हैं, चलिए फिर अब इसको ले जाते हैं ऊपर झूले में डालते हैं, और चाय भी पी लिया है। अभी बारिश थोड़ी सी बंद हो चुकी है, बहुत ही खतरनाक बारिश लग गई थी तो आज तो थोड़ा सा आराम कर दिया है और सर दर्द भी कम हो रही है, वरना तो डेली आजकल सर दर्द होने लग जाती है, तो आज फिलहाल ठीक है क्योंकि मैं थोड़ा सा सो गई थी और बेबी भी अच्छे से सो रखा था अभी। तो अभी उठ चुका है, इसको ले जाते हैं। यहाँ पे फाड़ रहे हैं दोस्तों हस्बैंड जी लकड़ी, आजकल हस्बैंड जी की डेली ड्यूटी है। ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा चट्टा बना दिया है। सो दोस्तों बेबी उठ चुका है और हस्बैंड जी ने लकड़ी भी फाड़ दिए हैं, और लकड़ी फाड़ के उसके ऊपर पन्नी भी डाल दी है, इतना अच्छा बना दिया है, पैकिंग कर दिया है पूरा। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने बना दी है सब्जी, तुरई की सब्जी, अम्मा और मेरे लिए है ये, और लोगों के लिए बन रहे हैं मटन, चिकन है मटन बनाने के हैं।